हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं हूं रमेश चौधरी और अपन पढ़ रहे थे क्लास 11th ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 10 अपना चल रहा था और चैप्टर नंबर 10 में एक लेक्चर अपन ने पढ़ लिया था जिसमें अपन ने पढ़ा था वायु दाब के बारे में। आज अपन पढ़ेंगे वायुमंडलीय परिसंचरण के बारे में कि वायुमंडल में सामान्य रूप से परिसंचरण किस प्रकार होता है। सबसे पहले समझते हैं कि वायुमंडलीय परिसंचरण क्या होता है। वायुमंडलीय परिसंचरण का मतलब वायुमंडल में या भूपटल के ऊपर, भूपटल से लेकर यानी कि पृथ्वी के तल से लेकर ऊपरी वायुमंडल की ऊपरी सीमा तक पवनों का परिसंचरण किस तरीके से होता है, पवनें किस तरीके से प्रवाहित होती है, मौसम के अकॉर्डिंग या फिर स्थल और जल के अलग अलग होने की वजह से या फिर ताप कटिबंधों के अलग अलग होने की वजह से पवनें चलती है, ये अपन ने देखा। और ये पवनें जो चलती है वो सामान्यतः रूप से किस प्रकार से चलती है, कौन सी साइड से कौन सी साइड में चलती है और क्यों चलती है, इसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो वायुमंडल, सबसे पहले ये देखते हैं कि वायुमंडल में जो वायु का परिसंचरण होता है वो किन बातों पर निर्भर करता है, कौन से कारकों पर निर्भर करता है वायुमंडल में वायु का परिसंचरण। परिसंचरण का मतलब वायु का बहना किन बातों पर निर्भर करता है। पहला तो आता है वायुमंडलीय ताप में अक्षांशीय भिन्नता, कि पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल है उस वायुमंडल के टेम्परेचर में लेटिट्यूड के अकॉर्डिंग क्या पाया जाता है, डिफरेंस पाया जाता है। यानी कि अगर आप देखोगे कि ये आपकी पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर अलग अलग अक्षांशों पर अलग अलग तापमान पाया जाता है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, इन दोनों क्षेत्रों के बीच में 23.5 डिग्री उत्तरी व 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में सूर्य की किरणें क्या करती है, विचरण करती है। इससे ना ही तो ऊपर जाती है ना ही नीचे आती है। मैंने ये भी बताया था कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे 22 दिसंबर को और विषुवत व्रत पे 21 मार्च और 23 सितंबर को और कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य की किरणें लंबवत चमकती है। इसके अलावा ना तो सूर्य की किरणें जो कर्क रेखा है उसके ऊपर जाती है ना ही मकर रेखा के नीचे जाती है। अब वायुमंडल में अक्षांशीय भिन्नता के आधार पर अपन ने तापमान देखा था कि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, यहाँ की तुलना में यहाँ कम होता है और यहाँ सबसे कम होता है। यानी कि जैसे ही हम विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं टेम्परेचर में कमी आती है। तो अगर धरातलीय टेम्परेचर में कमी आएगी तो वैसे ही ठीक वायुमंडलीय जो टेम्परेचर है उसमें भी कमी आएगी। और टेम्परेचर में अगर कमी आती है तो सीधा सा वायु का प्रवाह होता है, क्योंकि जब तापमान उच्च हो जाता है तो तापमान उच्च होने के बाद में वायु क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। और वायु गर्म होते ही क्या होती है, फैलती है, फैलते ही हल्की हो जाती है, उसकी डेंसिटी घट जाती है और घनत्व घटने की वजह से उसका ऊर्ध्वाधर परिसंचरण होता है, यानी कि वायु ऊपर की ओर उठ जाती है, इसलिए धरातल के पास में निम्न वायुदाब विकसित हो जाता है। सीधा सा याद रखो कि तापमान ज़्यादा तो वायुदाब कम और तापमान कम तो वायुदाब ज्यादा, इस तरीके की कुछ प्रणालियां पाई जाती है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट पाए जाते हैं। दूसरा आता है वायुदाब पेटियों की उपस्थिति। अब वायुदाब पेटियां अपन ने देखी थी लास्ट लेक्चर में, पीछे वाले लेक्चर में, वो क्या देखी थी कि जो विषुवत रेखा के आसपास वायुदाब पेटी पाई जाती है उसे कहते हैं अपन उष्णकटिबंधीय निम्न वायुदाब पेटी या विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, यही कहते हैं ना, जो 0 डिग्री पर पाई जाती है विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। फिर उसके ऊपर देखा था अपन ने कि 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, यानी कि 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी पाई जाती है। यहाँ पर कैसी पाई जाती है, उच्च वायुदाब पेटी पाई जाती है। फिर उसके ऊपर अपन ने देखा था कि उत्तरी और 60 डिग्री दक्षिणी, यहाँ दोनों जगह पर निम्न वायुदाब पेटी पाई जाती है, यानी कि यहाँ पर अधोध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी पाई जाती है और फिर ध्रुवों पर क्या पाई जाती है, उच्च वायुदाब पेटी पाई जाती है। ये तो आपको याद रखना है, यानी कि 0 डिग्री पे विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, 30 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश पर उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, 60 डिग्री उत्तरी व 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों पर अधोध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी और 90 डिग्री उत्तरी व 90 डिग्री दक्षिणी, यानी कि ध्रुवों पर उच्च वायुदाब पेटी पाई जाती है। यानी कि विषुवत रेखा से जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे अपन तो विषुवत रेखा पर निम्न वायुदाब पेटी होगी, फिर उच्च वायुदाब पेटी आएगी, फिर 60 डिग्री पर निम्न वायुदाब पेटी आएगी और फिर 90 डिग्री पर उच्च वायुदाब पेटी आएगी। तो इस प्रकार की वायुदाब पेटियां अपनी पृथ्वी पर पाई जाती है जिससे वायु का परिसंचरण होता है, क्योंकि उच्च वायुदाब पेटी से निम्न वायुदाब पेटी की ओर पवनें प्रवाहित होगी, इसलिए पवनें ये परिसंचरण को प्रभावित करता है।
तीसरा पॉइंट आता है वायुदाब पेटियों का सौर विकिरण के साथ विस्थापन। अपन ने ये भी देखा था कि ये जो वायुदाब पेटियां है ना, जो अपन ने देख रहे हैं, ये वायुदाब पेटियां जैसे सौर विकिरण का क्या होता है, विस्थापन होता है, वैसे वायुदाब पेटियां भी खिसकती रहती है। मतलब जैसे कि मान लीजिए अभी 21 मार्च और या फिर 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर लंबवत चमक रही है ना, और अगर ये उत्तर की ओर बढ़ती है, यानी कि 21 जून 23 सितंबर के बाद में कहाँ बढ़ेगी, उत्तर की ओर, 23 सितंबर के बाद में उत्तर की ओर बढ़ती है और 21 जून को कहाँ पहुँच जाती है, सॉरी मार्च के बाद में 21 जून को कहाँ पहुँच जाती है, कर्क रेखा पर। तो ये वायुदाब जो पेटियाँ है ये भी उत्तर की ओर खिसक जाएगी, समझ रहे हो। अगर सूर्य की किरणें दक्षिण की ओर बढ़ रही है यानी कि मकर रेखा पे पड़ रही है तो ये वायुदाब पेटियाँ भी दक्षिण की ओर खिसक जाती है। सूर्य के साथ साथ इन वायुदाब पेटियों का भी क्या होता रहता है, विस्थापन होता रहता है। महासागरों और महाद्वीपों का वितरण, इसकी वजह से भी वायुमंडल में हवाओं का परिसंचरण होता है। किसकी वजह से, महासागर और महाद्वीपों के वितरण की वजह से, क्योंकि अपन ने देखा था कि महासागर शीघ्र से धीरे धीरे ठंडे होते हैं और धीरे धीरे गर्म होते हैं, जबकि महाद्वीपीय क्षेत्र जल्दी से गर्म हो जाते हैं और जल्दी से ठंडे हो जाते हैं। इसलिए गर्म और ठंडे होने की वजह से दो विपरीत टेम्परेचर स्थितियाँ बनती है ना। अगर महासागर जल्दी से गर्म नहीं होंगे, धरातलीय क्षेत्र जल्दी से गर्म हो जाएंगे तो धरातलों पर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा और महासागरों पर टेम्परेचर कम हो जाएगा। अब धरातल पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर निम्न वायुदाब होगा, और महासागरों पर अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वहाँ उच्च वायुदाब होगा, तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवने चलेगी। समझ में आ रहा है, दोबारा से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक ये महाद्वीपीय क्षेत्र है, ये क्या है, महाद्वीप है, और यहाँ पर क्या है, महासागर है, यहाँ पर महाद्वीप है और यहाँ पर, देखिए दोस्तों मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ज्योग्राफी जो है रटने का सब्जेक्ट नहीं है, इसे आप समझोगे तभी काम चलेगा, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन किसी भी तरीके का पूछ सकता है, और अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ गए तो फिर आप किसी भी तरीके के आंसर का, क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सक्षम होंगे, और अगर आप रट रहे हो तो फिर आपको कन्फ्यूज कर जाएगा वो क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे महाद्वीप है, महाद्वीप क्या होता है, धरातलीय क्षेत्र, और यहाँ पर क्या है, महासागर। मैंने कहा कि जो मिट्टी होती है, जो मिट्टी होती है वो कहाँ पर पाई जाएगी, महाद्वीपों पर। जल कहाँ पर पाया जाएगा, महासागरों पर। मिट्टी शीघ्रता से गर्म हो जाती है और शीघ्रता से ही ठंडी हो जाती है, जल धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। अब दिन के समय में, जैसे मान लीजिए दिन के समय में महाद्वीपीय क्षेत्र पर जो मिट्टी है वो शीघ्रता से गर्म हो गई, और गर्म होने की वजह से यहाँ पे तापमान क्या हो गया, बढ़ गया। अब मिट्टी गर्म होगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना, अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो दोस्तों सीधी सी बात है कि वायुदाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इधर क्या होगा, ये जल्दी से गर्म नहीं हो पाएगा तो टेम्परेचर सामान्य रहेगा, इसलिए वायुदाब इसकी तुलना में यहाँ पे क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। अब यहाँ पे वायुदाब ज़्यादा है, यहाँ पे वायुदाब कम है, तो ऑफकोर्स क्या होगा कि इस क्षेत्र से इस क्षेत्र की ओर पवनों का प्रवाहित होगा, जिसे हम समुद्री समीर कहेंगे, क्योंकि समुद्रों से महाद्वीपों की ओर जो पवन जा रही है उसे हम समुद्री समीर कहेंगे। वायु का अगर नामकरण करना होता है तो वायु का नामकरण अपन करते हैं किस दिशा से वायु आ रही है। अगर जहाँ अपन खड़े हैं और उसके पूर्वी दिशा से वायु आ रही है तो उसे पूर्वी पवन, पश्चिमी दिशा से आ रही है तो उसे पछुआ पवन, उत्तरी दिशा से आ रही तो उत्तरी पवन, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र से आ रही तो उत्तरी पूर्वी पवन, समझ रहे हो ना, जिस दिशा से पवने आती है उसको उसी का नाम दे दिया जाता है। तो समुद्रों से महाद्वीपों की ओर आ रही है तो कौन सी वायु हो गई, समुद्री समीर। रात को विपरीत स्थिति हो जाती है तो महाद्वीपों से समुद्रों की ओर आती है तो इसे हम क्या कह देंगे, धरातलीय समीर कह देंगे। तो ये आपका आगे वाला पॉइंट क्या था, महाद्वीप और महासागरों का वितरण। अगर ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आप आगे वाले चैप्टर को आसानी से समझ जाओगे। फिर आगे आता है पृथ्वी का घूर्णन। अपन ने ये भी देखा था कि पृथ्वी के घूर्णन से एक बल लगता है और उस बल को हम कोरिओलिस बल कहते हैं, ये हम लास्ट वीडियो में देखा था। और इस कोरिओलिस बल की पहली बार जो खोज की थी वो एक फ्रांसीसी विद्वान ने की थी, कब की थी यह आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कोरिओलिस बल की पहचान करने वाले जो फ्रांसीसी विद्वान थे उन्होंने कोरिओलिस बल की पहचान कब की थी, ये कमेंट सेशन में बताओगे। और मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों से, आप उसका जवाब नहीं देते शायद, जो अपन ने अक्षांश और देशांतर जो स्थितियाँ पढ़ी थी, अक्षांश और देशांतर और समय जो चैप्टर पढ़ा था प्रैक्टिकल में,
उसमें मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि एक एक जो बंदा है वो दूसरी जगह पर है, एक बंदा दूसरी जगह पर है, दोनों के बीच में इतने अक्षांश, इतने देशांतर का डिफरेंस है, तो आप बताइए कि सूर्योदय कहाँ होगा, सूर्यास्त कहाँ होगा और कितने घंटे पहले या बाद में होगा, दोनों के बीच में सूर्यास्त या सूर्योदय के डिफरेंस का क्या अंतराल रहेगा। तो शायद 3-4 बच्चों ने इसके आंसर दिए हैं। अगर दोस्तों आप पढ़ रहे हो तो मुझे भी एनालाइज करवाइए, मुझे भी ये विश्वास दिलाए कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि जो कोरोलिस बल है इसका प्रभाव सबसे पहली बार किसने खोजा था, सॉरी कहाँ कब खोजा था, ये बताना है। तो ये हो गए आपके वायुमंडल परिसंचरण को प्रभावित करने वाले कारक। वायु में परिसंचरण होगा इन सब की वजह से, वायुमंडलीय ताप में भिन्नता, वायुदाबीय पेटियों की स्थिति, वायुदाबीय पेटियों की सौर विकिरण के साथ विस्थापन, इसके अलावा महासागरों और महाद्वीपों का वर्णन और आखिरी बचता है आपका पृथ्वी का घूर्णन। अब आगे चलते हैं अपन ITCZ। अब परिसंचरण को समझते हैं कि परिसंचरण कौन कौन सी जगह पर किस किस तरीके से होता है। तो इसको समझने के लिए आप लोग क्या करोगे, पहले समझेंगे अपन ITCZ। ITCZ क्या होता है? ITCZ होता है दोस्तों अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। क्या होता है? अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ITCZ, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन जिसे इंग्लिश में कहते हैं। दोस्तों जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती है, किस जगह पर सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ेगी तो वहां पर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और वहां पर टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ ही वायु क्या करेगी, संवहनीय गति करेगी, यानी ऊर्ध्वाधर रूप में ऊपर की ओर उठेगी, और जब ऊर्ध्वाधर रूप में ऊपर की ओर उठेगी तो धरातल के पास में जो क्षेत्र विकसित होगा उस क्षेत्र को हम ITCZ कहेंगे। समझ गए आप लोग? जैसे मान लीजिए ये सूर्य है और सूर्य की किरणें यहां पर सीधी पड़ रही है इस धरातलीय क्षेत्र में, ये धरातल था और यहां पर सीधी पड़ रही है, तो जहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है वहां पर तापमान बढ़ जाएगा, और तापमान बढ़ने के कारण वायु गर्म होकर ऊर्ध्वाधर गति करेगी, ऊपर की ओर उठेगी, जिससे संवहनीय गति, ऊर्ध्वाधर गति अपन कहते हैं, वहां से गति करेगी तो क्या होगा, यहां पर निम्न वायुदाब विकसित क्षेत्र हो जाएगा, और इसी को कहते हैं हम ITCZ, अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अब ये ITCZ किस तरीके से काम करता है, देखिए आप लोग, अब मैं ग्लोब ना बनाकर सीधा सा बना रहा हूं, ये आपका है 0 डिग्री, ये है आपका 30 डिग्री, थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं, ये है 0 डिग्री, यहां पर है 30, यहां पे है 60 और यहां पे है 90 डिग्री। ठीक वैसे ही नीचे ये 30, ये 60 और ये 90 डिग्री। ये क्या है, ग्लोब बनाया मैंने, एक मान लो कितना बड़ा ग्लोब है जिस पे मैंने ये अक्षांशीय मान लिख दिया कि 90 डिग्री अक्षांश, 60 डिग्री अक्षांश, ये तीनों क्या है, उत्तरी अक्षांश है ना, और 0 डिग्री से नीचे वाले कौन से हैं, दक्षिणी अक्षांश है। अब अपन देखते हैं कि किस तरीके से जो वायुदाब पेटियां हैं उनका परिसंचरण होता है, और वायुदाब पेटियां क्यों बनती है, कैसे बनती है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि 0 डिग्री के आसपास क्या होता है, सूर्य की किरणें वर्ष भर लगभग लंबवत चमकती है, 0 डिग्री पर सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा सीधी पड़ती है, सही है। तो जब सूर्य की किरणें यहां पर सीधी पड़ेगी 0 डिग्री पे, तो आप मेरे को बताइए कि तापमान बढ़ेगा क्या, बिल्कुल बढ़ेगा, और तापमान बढ़ेगा तो वायुदाब घटेगा क्या, हाँ घटेगा, कैसे, क्योंकि तापमान बढ़ेगा तो वायु गर्म होगी, और गर्म होगी तो वायु फैलेगी, हल्की होगी, और वायु की संवहनीय गति होगी, संवहनीय गति मतलब ऊपर की ओर वायु उठेगी, और वायु ऊपर की ओर उठ जाएगी तो ऊपर की ओर उठकर कहाँ जाएगी, अब क्षोभ सीमा को तो छोड़कर जाने से रही, कहाँ तक जाएगी, क्षोभ सीमा तक। अब क्षोभ सीमा कितनी है, 13-14 किलोमीटर ऊंचाई पर है, समझ गए, ध्रुवों पर क्षोभ सीमा की ऊंचाई कम होती है और विषुवत रेखा पर क्षोभ सीमा की ऊंचाई ज्यादा होती है। तो 0 डिग्री से पवन उठकर कहां जाएगी, क्षोभ सीमा तक। अब क्षोभ सीमा पर चली गई तो आप लोगों को पता है कि ऊंचाई के साथ में टेम्परेचर घटता है, ऊंचाई के साथ में टेम्परेचर घटता है, कितना घटता है, 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड घट जाता है, यानी कि 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड घट जाता है। तो जब पवने गर्म थी तो वो ऊपर की ओर उठ रही थी, ऊपर की ओर उठने पर क्या हुआ, टेम्परेचर कम मिला उनको, अरे ऊपर वायुमंडल में ऊपर गई ना वो, तो टेम्परेचर वहां पर उनको कम मिला। अब टेम्परेचर कम मिला तो फिर वो वायु क्या होगी बताओ, गर्मी रहेगी क्या, नहीं, ठंडी हो जाएगी, तो ठंडी होगी तो क्या होगी, उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, वो भारी हो जाएगी, और भारी होते ही वो क्या होगी, पृथ्वी पर वापस उसका अवतलन होगा, समझ रहे हो। पहले तो 0 डिग्री से, जैसे अगर मैं इसको ऐसे करूं
कि ये 0 डिग्री है, यहाँ से पवनी क्या होगी, गर्म होकर ऊपर की ओर उठेगी। ऊपर उठकर जैसे ही टेम्परेचर, ये क्या है आपकी क्षोभ सीमा, इससे ऊपर थोड़ी ना जाती है, नहीं जाती इससे ऊपर, क्षोभ सीमा है। ऊपर जैसे ही उठेगी तो क्या होगा, तापमान में कमी आएगी, और ये तापमान की सामान्य ह्रास दर होती है जो 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड घट जाती है। तापमान का व्युत्क्रमण क्या होता है, ऊंचाई के साथ में तापमान का बढ़ना, जस्ट तापमान के सामान्य ह्रास दर से अपोजिट स्थिति, जिसमें ऊंचाई के साथ में तापमान बढ़ जाता है, उसे तापमान की विलोमिता या तापमान का व्युत्क्रमण कहते हैं। जब पवनी ऊपर की ओर उठती है तो ठंडी टेम्परेचर उन्हें मिलेगा, और ठंडा टेम्परेचर मिलेगा तो पवनी ठंडी हो जाएगी, और ठंडी होगी तो वो ऊपर जाने के बजाय वापस क्या होगी, नीचे की ओर उनका अवतलन होगा, दोनों साइड में नीचे की ओर अवतलन होगा। कहाँ होगा ये पवनी, नीचे की ओर अवतलित होगी, यानी कि पृथ्वी पर वापस उतरेगी, और ये पवनी जहां पर उतर रही है वापस, उस जहां जिस जगह पर उतर रही है वो जगह है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश। अब आप लोग समझ गए होंगे कि वायु 0 डिग्री से ऊपर उठ रही है, ऊपर उठकर दोनों साइड में फैल गई। अब दोनों साइड में फैल रही है तो ये यहां से एक तो 30 डिग्री दक्षिण उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश, समझ गए आप लोग। यानी कि यहां पर क्या विकसित हो जाएगा बताओ, उच्च वायुदाब पेटी होगी, क्योंकि यहां पर उच्च वायुदाब पेटी होगी और यहां पर भी क्या होगी, उच्च वायुदाब पेटी होगी। अब ये यहां पर उच्च वायुदाब पेटी क्यों हुई, अपन ने पहले भी देखा था कि 30 डिग्री उत्तरी में 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी पाई जाती है। तो ये उच्च वायुदाब पेटी क्यों पाई जाती है, क्योंकि 0 डिग्री वाली वायु ऊपर जाके ठंडी होके उस कहां उतर रही है, 30 डिग्री उत्तरी में 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर। तो यहां पर वायु ठंडी वो क्या होगी, ठंडी वायु नीचे उतर रही है तो यहां पर वायु संघन हो जाएगी, इसलिए यहां पर उच्च वायुदाब पेटी पाई जाएगी। यहां तक क्लियर है। अपन पहले 30 डिग्री उत्तरी में 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में जो पवनें चलती है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। फिर यहां पर क्या है बताओ, निम्न वायुदाब पेटी है। यहां पर क्या है, निम्न वायुदाब पेटी। अब आप लोगों को पता है कि यहां पे निम्न वायुदाब पेटी है, यहां पे उच्च है, यहां पर भी उच्च है, तो उच्च वायुदाब पेटी से पवनें निम्न वायुदाब की ओर बहेगी। क्लियर है, उच्च वायुदाब से पवनें निम्न वायुदाब की ओर बहेगी। तो यहां पर जो पवनें आती है वो कुछ इस तरीके से आती है, पूर्वी पवनों के रूप में उपोष्ण कटिबंधीय जो उच्च वायुदाब क्षेत्र है वहां से विषुवत रेखा पर पवने निम्न वायुदाब क्षेत्र को भरने के लिए आती है। बताओ समझ में आया क्या, आ गया सर, नहीं आया तो दोबारा से देखो। 0 डिग्री रेखा पर क्या पाया जाता है, यहां पर निम्न वायुदाब पेटी पाई जाती है, 30 डिग्री उत्तरी में दक्षिणी अक्षांशों पर उच्च वायुदाब पेटी पाई जाती है। वो क्यों पाई जाती है, वो यहां पर देखिए आप लोग। फिर उच्च वायुदाब पेटी से निम्न वायुदाब पेटी की ओर पवने प्रवाहित होगी और वो पूर्वी पवनों के रूप में प्रवाहित होगी, और ये पूर्वी पवनों फिर लास्ट में जाकर कोरोलिस बल की वजह से क्या हो जाती है, उत्तरी गोलार्ध में तो अपने दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर घूम जाती है, इस तरीके से घूम जाती है, और फिर भारत में जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है वो इसी वजह से आता है, है ना। इसको अपन भारत में जब मानसून पड़ेंगे तब अच्छे तरीके से देखेंगे। यहां तक की क्लियर है, ये पवने हो गई। अब यहां पर जो पवने ऊपर उठ रही थी, 0 डिग्री पे जो ऊपर उठ रही थी और 30 डिग्री पे नीचे गिर रही थी, तो यहां पर एक वायु की अलग ही गति बन रही है, ऊर्ध्वाधर गति बन रही है। ये तो अपन ने देख लिया कि 0 डिग्री पे पूर्वी पवने आती है उच्च अक्षांश क्षेत्रों से, तो 0 डिग्री और 30 डिग्री के बीच में एक अलग स्थिति बन रही है। क्या बन रही है कि 0 डिग्री से वायु ऊपर की ओर जा रही है, 30 डिग्री पे उतर रही है, यानी कि वायु का एक गति हो रही है, जिसमें वायु में 0 डिग्री में तो क्या हो रहा है, ऊर्ध्वाधर परिसंचरण हो रहा है, और दोनों 30 डिग्री पे क्या हो रहा है, वायु अवतलन हो रही है, नीचे की ओर इसका परिसंचरण हो रहा है। तो ऐसी स्थिति बनती है ना जहां पर दो विपरीत दिशाओं में वायु गति करती है, ऊर्ध्वाधर और पृथ्वी की ओर, समझ गए, यानी कि पृथ्वी की ओर वायु गति करती है, दूसरी इसके विपरीत ऊर्ध्वाधर गति करती है। तो ऐसे बेल्ट को कहते हैं कोस्ट। क्या कहते हैं दोस्तों, कोस्ट कहते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को। यहां पर एक कोस्ट का निर्माण बनेगा जब दो विपरीत दिशाओं में वायु गति करेगी इस तरीके से, है ना, तो इसको क्या बनेगा, इसको हम कहते हैं कोस्ट। और यहां पर जो कोस्ट बन रहा है इस कोस्ट को कहते हैं हेंडले कोस्ट, यानी कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है ये कौन सा है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जिस कोस्ट का निर्माण होता है उसे हम हेंडले कोस्ट कहते हैं। अब आगे की ओर चलते हैं, ऊपर की ओर बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहां पर क्या पाया जाता है आप बताइए, यहां पर पाया जाता है सर निम्न वायुदाब पेटी पाई जाती है, निम्न वायुदाब पेटी, और नीचे भी यहां पर भी क्या पाया जाता है, निम्न वायुदाब पेटी।
अब यहाँ पर उच्च वायुदाब पेटी इसलिए पाई गई क्योंकि यहाँ पर 0 डिग्री वाली जो वायु है वो उतर रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ की तुलना में यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, है ना, 90 डिग्री से ज़्यादा है ना, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है। दूसरा, यहाँ पर कोरोलिस बल अधिक लग रहा है। कोरोलिस बल लगने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, ये जो निम्न वायुदाब पेटी है यहाँ पर और यहाँ पर, इसमें दोनों साइड से पवनी आएगी, बताओ, इधर से भी आएगी और इधर से भी आएगी, निम्न वायुदाब में इधर से भी और दूसरा जो आएगी पवने वो आएगी इधर से भी। इस तरीके से इस 60 डिग्री वाले जो उच्च वायुदाब है इसको भरने के लिए पवने दोनों साइड से गति करेगी। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ध्रुवीय क्षेत्रों से जो पवने आएगी वो पूर्वी दिशा से आएगी। अरे दोस्तों, इधर से आ रही है वो कौन सी होगी, पूर्वी दिशा से, और उपोषण उच्च वायुदाब पेटी से, ये कौन सी पेटी है, उपोषण उच्च वायुदाब पेटी, यहां से कौन सी पवनी आएगी, यहां से पछुआ पवनी आएगी, यानी कि पश्चिमी दिशा से चलकर पवनी आएगी। देखो, यहां पर पश्चिमी दिशा से आ रही है, यहां पर पूर्वी दिशा से आ रही है, तो यहां पर आकर इस निम्न वायुदाब क्षेत्र को भरने की पवनी कोशिश करेगी। क्लियर है यहां तक? तो ध्रुवीय क्षेत्रों से जो पवने प्रवाहित होती है 60 डिग्री पर वो पूर्वी पवनों के रूप में होती है। यहाँ पर भी दो प्रकार का परिसंचरण बनता है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो जो मध्य, जो निम्न अक्षांश पर बनता है जिसे हम हेंडली कोस्ट कहते हैं, फिर जो मध्य अक्षांश पर बनता है इसे हम फेरल कोस्ट कहते हैं। फेरल कोस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र पर कोरोलिस बल का प्रभाव अधिक रहता है, मध्य अक्षांशों पर कोरोलिस बल का प्रभाव अधिक रहता है, इसलिए पवने क्या होती है, उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। उत्तरी गोलार्ध में पवने कैसे मुड़ती है, अपने दाईं ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में पवने कैसे मुड़ती है, अपने बाईं। देखिए आप लोग, ये जो पवने हैं ये किस तरीके से गति कर रही है, बताओ, इस तरीके से गति कर रही है ना। तो मतलब अगर आप इस रेखा पे चल रहे हैं तो पवने कैसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, और अगर आप इस रेखा पे चल रहे हो, है ना, इस रेखा से जो पवने, पवने इसी रेखा से जा रही है ना, तो इस रेखा से आप जा रहे हो तो पवने कैसे जा रही है, ऐसे। तो 0 डिग्री से दक्षिणी गोलार्ध में पवने अपने बाईं ओर घूम रही है और उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर घूम रही है। ये कोरोलिस बल का प्रभाव है और इसे फेरल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फेरल का नियम भी कहते हैं। तो इसलिए यहां पर जो कोस्ट बनता है इसको फेरल कोस्ट के नाम से भी जाना जाता है, या अधोध्रुवीय कोस्ट भी कहते हैं। फिर आगे आता है आपका ध्रुवीय क्षेत्र, यहां पर क्या पाया जाता है, यहां पर जो कोस्ट पाया जाता है इस प्रकार का, यानी कि वायु का ऊपर की ओर और नीचे की ओर अवतलन होना, ऐसा कोस्ट पाया जाता है, उसे हम ध्रुवीय कोस्ट के नाम से जानते हैं। तो तीन प्रकार के कोस्ट यहां पर बनते हैं, कौन कौन से, हेंडले कोस्ट, फेरल कोस्ट और ध्रुवीय कोस्ट। हेंडले कोस्ट निम्न जो अक्षांश होते हैं वहां पर बनते हैं, मध्य अक्षांशों पर कौन से बनते हैं, फेरल कोस्ट बनते हैं, और ध्रुवीय क्षेत्रों पर ध्रुवीय कोस्ट बनते हैं। तो ये हो गई वायुमंडल की सामान्य परिसंचरण। अब वायुमंडल की जो प्रमुख पवने हैं उनको एक बार अपन समझ लेते हैं कि कौन कौन सी पवने हैं और वो कैसे प्रभावित होती है, क्यों प्रभावित होती है। ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि निम्न वायुदाब पेटी कहाँ पाई जाती है, उच्च वायुदाब पेटी कहाँ पाई जाती है, और निम्न व उच्च वायुदाब पेटी जो पाई जाती है उसका कारण क्या है। यहाँ पर भी ठीक वैसे ही होता है, 60 डिग्री से पवने ऊपर की ओर उठती है और इनका अवतलन इधर की ओर होता है, इसका अवतलन इधर की ओर होता है, यहाँ से भी 60 डिग्री से 30 डिग्री पे होता है और 60 डिग्री से 90 डिग्री पे होता है। तो कोस्ट का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर भी कोस्ट का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर भी कोस्ट का निर्माण हो रहा है। तो जहाँ अलग अलग कोस्टों का निर्माण हो रहा है, तीन प्रकार के, जो निम्न अक्षांश, मध्य अक्षांश और उच्च अक्षांशों पर, इन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं। अब देखते हैं अपन कुछ पवनों के बारे, देखते हैं कुछ पवनों के बारे में जो आपकी बुक में दे रखा है। एक होती है मौसमी पवने। मौसमी पवने दोस्तों, जैसे ही सूर्य की किरणों का विस्थापन होता है उस तरीके से वायुदाब पेटियां विकसित होती है। सूर्य की किरणें अगर दक्षिण में जा रही तो वायुदाब पेटियां भी क्या होगी, दक्षिण की ओर खिसक जाएगी। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में अगर ग्रीष्म ऋतु होगी तो वायुदाब पेटियां उत्तर की ओर खिसक जाती है, शीत ऋतु में दक्षिण की ओर खिसक जाती है। तो जैसे सौर विकिरण का क्या होगा, उसका विस्थापन होगा, ठीक वैसे ही उन वायुदाब पेटियों का भी विस्थापन होगा। और जैसे ही वायुदाब पेटियां का विस्थापन होगा, एक अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मौसमी पवने आएगी। जैसे कि भारत में या दक्षिणी एशिया में जो मानसूनी पवने आती है वो इसी वजह से आती है, जिनको हम मौसमी पवने कहते हैं। एक मानसून का मतलब होता है एक समय, एक मौसम के अनुसार चलने वाली पवने, और ये पवने जो होती है वो वायुदाब पेटियों के विस्थापन से होती है। और वायुदाब पेटियां विस्थापित कब होती है, जब सूर्य की किरणें विस्थापित होती है,
क्लियर है। और भारत में जो पवने आती है, जो मानसूनी पवने आती है, वो मौसमी पवने होती है। स्थानीय पवने क्या होती है? स्थानीय पवनों का मतलब होता है दोस्तों, एक स्थान पर, एक पर्टिकुलर एरिया में, जैसे अगर अपन राजस्थान की बात करें, जैसे अगर अपन राजस्थान की बात करते हैं, तो राजस्थान, राजस्थान क्षेत्र में क्या होता है, कुछ कुछ धरातलीय क्षेत्र जल्दी गर्म होगा, कुछ धरातलीय क्षेत्र कम गर्म होगा। जैसे कि मान लीजिए झालावाड़, बारा, ये जो एरिया है, यहाँ पर संघन वृक्ष है, है ना, और आर्द्र क्षेत्र है, तो यहाँ पर वायुदाब जल्दी से नहीं घटता है, किसकी तुलना में, जो आपका जैसलमेर वाला एरिया है, यानी कि जो रेगिस्तानी एरिया है, यहाँ पर वायुदाब जल्दी से घट जाएगा और जल्दी से बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि रात को वायु बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, और ठंडी होने पर क्या होगा, टेम्परेचर घटेगा, तो वायुदाब ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, तो इससे क्या होगा, एक पर्टिकुलर एरिया में पवने चलेगी, है ना, उसे हम क्या कहेंगे, स्थानीय पवने कहेंगे। कि यानी कि एक एरिया में टेम्परेचर में डिफरेंस की वजह से जो वायु दाब, एयर प्रेशर में जो डिफरेंस आता है, और फिर वायु जो प्रवाहित होती है, उसे हम स्थानीय पवने कहते हैं। स्थल और समुद्री समीर जो मैंने अभी आपको समझाया है कि स्थल जो होते हैं वो शीघ्र ही गर्म हो जाते हैं और शीघ्र ही ठंडे हो जाते हैं, इसकी तुलना में समुद्र जो होते हैं वो धीरे धीरे गर्म होते हैं और धीरे धीरे ठंडे होते हैं। तो एक अलग अलग वायुदाब वहाँ पर पाया जाता है। जब स्थल पर वायुदाब उच्च होता है तो समुद्रों पर निम्न होता है, और जब समुद्रों पर उच्च होता है तो देख ही लेते हैं दोबारा से, एक कौन सी होती है, समुद्री समीर, और एक कौन सी होती है, धरातलीय समीर। देखो कौन कौन से किस टाइम पे, जैसे ये मान लीजिए आपका क्या है, धरातल है, और ये क्या है, समुद्र है, तो इसमें क्या होगा, दिन के समय में धरातल गर्म हो जाएगा ना, बिल्कुल गर्म हो जाएगा, समुद्र की तुलना में ज्यादा गर्म होगा ना, जो बिल्कुल ज्यादा गर्म होगा, तो वायुदाब घट जाएगा ना, कहां पर, धरातल पर घट जाएगा, तो बताओ पवने कैसे चलेगी, समुद्रों से धरातल की ओर, सही है, तो इसे हम कह देंगे समुद्री समीर। रात के समय में क्या होगा, इसका टेम्परेचर इसकी तुलना में ज्यादा घट जाएगा, क्योंकि जल्दी से गर्म होता है और जल्दी से ठंडा होता है, तो टेम्परेचर जल्दी बढ़ भी जाएगा और जल्दी घट भी जाएगा, तो टेम्परेचर इसका घट जाएगा तो वायुदाब यहाँ बढ़ जाएगी, इसकी तुलना में यहाँ वायुदाब ज्यादा हो जाएगी रात के समय में, तो यहाँ पर पवने इस तरीके से प्रवाहित होगी, जिसे हम धरातलीय या स्थलीय समीर कह देंगे। फिर आगे आता है पर्वत व घाटी समीर। देखो इसको समझ लेते हैं, पर्वत और घाटी समीर क्या होता है, ये पर्वत और ये आपकी घाटी, पर्वतों के बीच में जो निम्न क्षेत्र होता है उसे हम घाटी कहते हैं। तो यहां पर क्या होता है, दिन के समय पर ये जो ढाल होते हैं, ये पर्वतीय ढाल होते हैं, ये गर्म हो जाते हैं, दिन के समय में पर्वतीय ढाल क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं, इसलिए घाटी से पवनी क्या होती है, इस पर्वतीय क्षेत्रों की ओर, ढाल वाले क्षेत्रों की ओर बहती है, इसे हम कहते हैं घाटी समीर। क्या कहते हैं, घाटी समीर। रात के समय में क्या होता है, ढाल अधिक ठंडे हो जाते हैं, तो ढाल अधिक ठंडे हो गए तो पवने इस तरीके से चलेगी, ढाल से घाटी की ओर, और इसे हम क्या कह देंगे, पर्वतीय समीर। क्या कह देंगे, पर्वत समीर। और ये पर्वत समीर होती है, इसे अवरोही पवने भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अवरोही पवने, अवरोही पवने। तो ये कुछ पवने थी जिनको हमने समझा। अब इसके बाद में आता है आपका, क्या आता है, इसके बाद में आती है वायु राशियाँ। वायु राशियाँ क्या होती है दोस्तों, जब किसी समांगी क्षेत्र पर, यानी कि समान गुणों वाले क्षेत्रों पर जब एक कोई वायु विकसित होती है। अब दोस्तों हम देखते हैं जो पृथ्वी पर बनने वाली प्रमुख वायु राशियाँ, एयर मासेस, क्या कहते हैं इंग्लिश में, एयर मासेस कहते हैं। वायु राशियाँ क्या होती है दोस्तों, जब किसी समांगी क्षेत्रों पर, समांगी क्षेत्र क्या होते हैं, समान गुणों वाले क्षेत्रों पर, समान गुणों वाले क्षेत्रों पर एक समान गुणों वाली वायु विकसित हो जाती है, उसे हम वायु राशि कहते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए ये कोई धरातलीय क्षेत्र है, है ना, यानी कि पूरा का पूरा धरातलीय क्षेत्र है, दक्षिणी धरातलीय, दक्षिणी एशिया का धरातलीय क्षेत्र है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सब शामिल है, है ना, तो इसके ऊपर यहाँ पे बताओ गुण सबके समान होंगे ना, ऐसे थोड़ी ना होगी पाकिस्तान में बर्फ़ पड़ रही है, भारत में गर्मी पड़ रही है, या भूटान में बर्फ़ पड़ रही है, भारत नेपाल में गर्मी पड़ रही है, ऐसा नहीं होगा ना, मतलब एक विशेष पर्टिकुलर एरिया में एक विशेष जलवायु पाई जाएगी, क्लियर है, और इस एरिया के ऊपर जो वायु विकसित होगी, क्या विकसित होगी, वायु, वो वायु इस क्षेत्र के गुण ग्रहण कर लेगी। अगर ये महासागर है तो वायु आर्द्रता वाली हो जाएगी, अगर शुष्क मरुस्थल है तो वायु शुष्क हो जाएगी, इसके ऊपर ऐसे होगा ना, जैसे धरातल होंगे वैसी ही वायु होगी, दोनों क्या है, पक्के मित्र हैं, जैसा मैं वैसा तू, है ना, तो इस तरीके का है, जिस प्रकार का धरातल उस प्रकार की वायु। महासागरीय क्षेत्र है तो वायु आर्द्र हो जाएगी, अगर
ठंडे प्रदेश हैं, ठंडे महाद्वीपीय क्षेत्र हैं तो वायु ठंडी हो जाएगी, गर्म प्रदेश हैं तो वायु गर्म हो जाएगी, शुष्क मरुस्थल है तो वायु शुष्क हो जाएगी। इस तरीके से दोनों क्या है, पक्के मित्र हैं, रंग नहीं बदलते, जैसा ये होता है वैसा ही ये होता है, क्योंकि ये वायु इसके गुण ग्रहण कर लेती है, है ना। तो जब किसी एक बड़े क्षेत्र में समान गुणों वाली वायु रहेगी, इस पूरे क्षेत्र में जो वायु है उसके गुण क्या है, समान है, पूरी वायु के गुण इस क्षेत्र में समान है, इसलिए इस वायु राशि, इस क्षेत्र की वायु को हम क्या कहते हैं, वायु राशि कहते हैं। समझ गए बच्चों, समान एक बहुत बड़े क्षेत्र में समान गुणों वाली वायु को, वृहद वायु को हम वायु राशि कहते हैं। अब अपन पृथ्वी पर देखें तो पृथ्वी पर मुख्य रूप से पांच प्रकार की वायु राशियां विकसित होती है, पांच प्रकार के अलग अलग क्षेत्र है जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग है, तो उन पांच प्रकार के क्षेत्रों में पांच प्रकार की वायु राशियां विकसित होगी। देखो कैसे, उष्णकटिबंधीय महासागरीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय महासागरीय क्षेत्र मतलब गर्मी वाले क्षेत्रों में महासागर, यानी कि 0 डिग्री के आसपास वाले महासागर। दूसरा, उष्णकटिबंधीय महाद्वीप यानी कि 0 डिग्री के आसपास वाले महाद्वीप, धरातल दो हो गई क्या, एक उष्णकटिबंधीय महासागर, एक उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। एक मैं बोल दूं शीतोष्ण यानी कि शीत महासागर और शीत महाद्वीप, एक उष्ण महासागर महाद्वीप हो गए, एक शीत महासागर शीत महाद्वीप हो गए, और एक हो गया आपका अंटार्कटिका या आर्कटिक क्षेत्र जो हमेशा बर्फ से ढके हुए रहते हैं। इस प्रकार से पांच जलवायु है, ठंडे मरुस्थल, सही है, ठंडे महासागर, गर्म मरुस्थल, गर्म महासागर, और आर्कटिक क्षेत्र यानी कि ध्रुवीय क्षेत्र जो हमेशा बर्फ से ढके हुए रहते हैं। क्लियर है क्या? सर ये तो क्लियर है, याद करने की जरूरत ही नहीं है ना, बड़े एक्सपर्ट बंदे हो तुम लोग। उष्णकटिबंधीय महासागर यानी कि जो गर्मी वाले क्षेत्र होते हैं वहां के महासागर, इनको एक चीज आप ध्यान रखना, महासागरों को हम क्या लिखेंगे, एम, एम मतलब महासागर, बताओ एम मतलब क्या होता है, महासागर होते हैं। सी का मतलब क्या हो गया, क्रस्ट, क्या क्रस्ट, क्रस्ट का मतलब धरातल, ये पृथ्वी के बारे में पढ़ा था ना अपन, क्रस्ट, तो ये क्या हो गया, सी का मतलब क्या हो गया, धरातल। एक चीज और ध्यान रखना, जो उष्णकटिबंधीय महासागरीय जो वायु राशि है उसको हम एमटी कहेंगे, और जो उष्णकटिबंधीय, यहां पे मैंने लिखा नहीं है, उष्णकटिबंधीय महासागरीय जो वायु राशि होगी उसे हम धरातलीय वायु राशि कहेंगे, यानी कि धरातल पर विकसित होगी, जिसे हम सीटी कहेंगे, सिटी, है ना। देखो टीका मतलब क्या हो गया, गर्मी वाले क्षेत्र, आप सीधे ऐसे देखो, टीका मतलब क्या हो गया, गर्मी वाले क्षेत्र जहां पे गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो वो उष्ण क्षेत्र होंगे। अब उस उष्ण में मिट्टी का मतलब हो गया गर्मी वाले क्षेत्र, और पीक का मतलब हो गया ठंडे क्षेत्र, पीक का मतलब क्या हो गया, ठंडे क्षेत्र, समझ गए, टीका मतलब गर्मी, पीका मतलब ठंडे, ऐसे याद रखो आप लोग, टीका मतलब गर्मी, पीका मतलब ठंडे। अब एम का मतलब क्या रखोगे, महासागर, और सी का मतलब क्रस्ट, धरातल, सी का मतलब धरातल, एम का मतलब महासागर। अब मेरे को आप बताओ कि जो उष्णकटिबंधीय यानी कि जो गर्मी वाले महासागर है वहां पर वायु राशि कौन सी विकसित होगी, गर्मी वाले महासागर, तो बताओ गर्मी, गर्मी, गर्मी को तो अपन क्या बोलते हैं, टी बोलते हैं, और महासागर को क्या बोलेंगे, एम, तो एम टी। अब गर्मी वाले महाद्वीप होंगे तो महाद्वीप को अपन सी बोलते हैं, और गर्मी को हम टी बोलते हैं, तो सी टी। ऐसे ही अगर अपन देखें कि जो ठंडे महाद्वीप होंगे, सर्दी वाले जो महाद्वीप होंगे, तो महाद्वीप को क्या बोलेंगे, बताओ, अभी मैंने बताया महाद्वीप को क्या बोलेंगे, सी, महाद्वीप को क्या बोलेंगे, सी, और महासागर को क्या बोलेंगे, एम। तो ठंडे महासागर जो होंगे, अब ठंडे को क्या बोलेंगे, पी, ठंडे को क्या बोलेंगे, पी, और गर्मी को क्या बोल रहे थे, टी, तो ठंडे महासागर होंगे वो, बताओ क्या हो गए, एमपी, क्या हो गए, एमपी, और ठंडे महाद्वीप होंगे वो सीपी, बताओ। यानी कि आपको याद रखना है महाद्वीप को क्या कहेंगे, सी, महासागर को कहेंगे एम, सी एम, समझ गए, टी को गर्म, पी को ठंडे। अब जो आर्कटिक जो महाद्वीपीय जो अंटार्कटिका या आर्कटिक जो क्षेत्र है वहां पर आप महाद्वीप है ना, तो क्या होगा बताओ, सी होगा कि एम होगा, सी होगा, महाद्वीप है ना, सी होगा, और ए का मतलब आपको आर्कटिक या अंटार्कटिका ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब जो बचा है आपका वाताग्र और जो चक्रवात बचे हैं और तड़ित झंझोर टोर्नेडो जो बचा हुआ है उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो तो लाइक में कमेंट जरूर करके बताएं, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।